हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्क्वेयर रूट निकालने की सुपर ट्रिक। से आप किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट सेकंड्स में निकाल लेंगे। सो आओ दोस्तों शुरू करते हैं स्क्वेयर रूट। दोस्तों ट्रिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको अप टू 10 तक स्क्वेयर लर्न होने चाहिए। सो एक बार 1 to 10 तक के स्क्वेयर में राइट डाउन कर देता हूँ। 1 का स्क्वेयर, 10 का स्क्वेयर 100, राइट। तो ये हमारे होगी 1 to 10। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल हाउ वी फाइंड आउट द स्क्वेयर रूट ऑफ एनी नंबर विद इन ए शॉर्ट ट्रिक, एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन ट्रेडिशनल मैथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक हियर 441। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वेयर रूट निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, पेयरिंग करनी है। फर्स्ट टू एंड लास्ट वन इज हिदर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर। लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 1 है। सो वी सी 1 कहाँ कहाँ है इसमें। एक तो 1 1 का है और एक 9 का है, राइट। 1 and 9 का स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या बच गया हमारा, 4। अब देखो 4 किसी का स्क्वेयर है या किसी किसी के बीच में आता हो, तो 4 किसका स्क्वेयर है भाई, 4 2 का डायरेक्ट ही स्क्वेयर है, राइट। तो इधर क्या हो गया, 2। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम ये है कि हम 1 लगाएं 2 के साथ या फिर 9 लगाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी डिजिट यहाँ आती है उसको उसे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। उसको क्या करेंगे, उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई, 2 3 6, ठीक है। और जो आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन का, अगर वो डिजिट छोटा है इससे तो हम क्या ले लेंगे, छोटे वाली संख्या। अगर बड़ी है ये संख्या इससे तो ये बड़े वाला नंबर ले लेंगे। तो क्या है, 4 is smaller than 6, सो वी टेक 1। तो हियर 2 and 1, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। दोस्तों ये मैंने अभी छोटा एग्जाम्पल लिया था, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, 4 4 1 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन 3 से हो गया, 3 4 12, 3 9 अगेन 7 7 1, ठीक है। अब ऐसे लिखेंगे 3 into 3 into 7 into 7, पेयरिंग करेंगे, क्या आ गया, 3 into 7 21। इस वे से भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ये छोटे नंबर्स हैं उनका तो हम फैक्टर्स इजीली कर सकते हैं इफ, लेकिन अगर बड़े नंबर आएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं अब देखता हूँ, कुछ बड़ा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पेयरिंग कर दो, 24 and 10। 4 किस में आता है, 4 किसके एंड में आता है, 8 8 और 2 के, 8 का स्क्वेयर एंड 2 का स्क्वेयर। अब 10 हमारा किसका स्क्वेयर है, देखो 10 हमारा 3 का 9 होता है, 4 का 16, दोनों के बीच का है। तो कौन सी नंबर लेना, हमेशा स्मॉलर वन लेना है, स्मॉलर वन हमारा क्या है, 3, ठीक है। इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 12 क्या है, ग्रेटर देन है 10 से, सो वी टेक स्मॉलर वन। वट विल वी गेट आंसर, 3 यहाँ से और 2 वहाँ से, दिस इज द स्क्वेयर, 32 का स्क्वेयर रूट क्या हमारा, 1024। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। लेट अस टेक मोर एग्जाम्पल्स, नाउ वी इंक्रीज आवर स्पीड, ठीक है। सो 2809 इसका स्क्वेयर, दोस्तों पेयरिंग की, 9 किसका आता है बताओ, 3 and 7 3 and 7, राइट। अब 28 किसका आता है, 5 and 36, तो क्या ले लेंगे, 5, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 30 से क्या है, छोटा है तो क्या लेंगे, 3, सो 553 इज आवर आंसर, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर देखो 9 हमारा किसका है, 3 का स्क्वेयर है, तो हमेशा इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 10, इन दोनों का सम कितना होगा, 10। अगर 3 पता है तो आप बिना देखे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 7, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, कुछ और बड़ी संख्याएं लेते हैं। सो
अब हम निकालते हैं वन हैंड सॉरी 13225 का स्क्वेयर रूट निकालना है, ठीक है। सिर्फ पेयर बनाएंगे 1 2 राइट। अब देखो 25 में क्या है, लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 किसका होता है, 5 सिर्फ एक ही नंबर आएगा, और तो है नहीं ऑप्शन, दूसरा भी क्या आएगा, क्योंकि सम कितना होता है 5, ठीक है। तो इसमें तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसका लें। 132 किसके बीच आता है, सो 132 थोड़ा बड़ा हो गया 10 से, तो थोड़ा आगे और लिख सकते हैं। 11 का क्या होता है बच्चों, 121, 12 का क्या होता है 144, ठीक है। सो 132 किसके बीच आता है, 121 एंड 144, तो क्या लेंगे यहाँ पे 11, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे नेक्स्ट नंबर से 12 से, ठीक है। तो 12 में क्या आ जाएगा इसका 132 एंड 132 दोनों क्या हमारे इक्वल है, तो इक्वल हो या फिर स्मॉलर हो, तो हम क्या लेंगे, छोटे वाला नंबर लेंगे, ठीक है। तो और यहाँ हमारा क्या है 5 है, तो ये हमारा किसका हो गया स्क्वेयर रूट 115 का, ठीक है। अगर हम इसके फैक्टर करने जाएं तो क्या घंटा लग जाएगा हमें, बहुत टाइम लगेगा ना, कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी से स्क्वेयर रूट निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, ठीक है। जस्ट ये छोटी सी आपको रिमेम्बर होनी चाहिए, छोटे से स्क्वेयर रिमेम्बर होने चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।